दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित इंटर स्कूल फुटबॉल स्पर्धा का भव्य शुभारंभ सदर स्थित शिवाजी मैदान में किया गया। स्पर्धा का पहला मैच सेंट थॉमस स्कूल और सेंट एलोइसिस स्कूल पोलिंग पाथर के बीच खेला गया, जिसमें दोनों टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया और ट्राई ब्रेकर के बाद जीत हार का फैसला सडन डेथ प्रक्रिया के द्वारा हुआ, जिसमें सेंट थॉमस स्कूल ने सेंट एलोइसिस को हराकर अगले राउंड में प्रवेश किया। दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित इंटर स्कूल फुटबॉल स्पर्धा का भव्य आगाज शिवाजी मैदान में हुआ। प्रतियोगिता का पहला मैच सेंट थॉमस और पोलीपाथर स्थित सेंट एलोइसिस स्कूल के बीच खेला गया। मैच शुरू होने के पूर्व मुख्य अतिथि कलेक्टर दीपक सक्सेना और एसपी आदित्य प्रताप सिंह एवं दैनिक भास्कर के डायरेक्टर राकेश अग्रवाल द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया गया और गुब्बारे उड़ाकर एवं बैंड दल की सलामी लेकर स्पर्धा का शुभारम्भ किया। प्रतियोगिता के पहले मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया और मैच की समाप्ति तक दोनों टीमों का स्कोर बराबर रहा, लिहाजा फैसला टाई ब्रेकर के माध्यम से किया गया। लेकिन टाई ब्रेकर में भी दोनों टीमों ने 5 पेनल्टी शूटआउट में से 4-4 गोल कर दिए और फिर जीत हार का निर्णय सडन डेथ प्रक्रिया से हुआ और इसमें सेंट थॉमस ने जीत हासिल कर स्पर्धा के अगले दौर में प्रवेश कर लिया। बहुत अच्छा लग रहा है सर, और हम पूरी कोशिश कर रहे थे और पोलीपाथर भी बहुत अच्छा खेली और उन्होंने भी हमको टफ मैच दिया है और मैं अपने भगवान का और अपने प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को ये शक्ति दी, सामर्थ्य दी कि मैं खेल पाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं अपने धन्यवाद देना चाहूँगा अपने कोच को जो उन्होंने हमें ऐसी कोचिंग दी और हम आगे के मैच के लिए अपने कोची की जो ट्रेनिंग जो हम सीखे हैं उनसे वही हम आगे के मैच में करेंगे। और धन्यवाद दैनिक भास्कर का जो इतना अच्छा टूर्नामेंट हमारे युवा खिलाड़ियों के बीच में करवाते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने स्कूल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो मुझे इतना सपोर्ट देते हैं, इतना आगे बढ़ाते हैं, इतना कॉन्फिडेंट जो मेरे को देते हैं, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। मुख्य अतिथियों दीपक कुमार सक्सेना और एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने इस आयोजन की भरपूर सराहना की। बहुत अच्छी बात है कि तुम का बड़ा मीडिया हो
लगातार 21 सालों से खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, स्पोर्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह का पार्टिसिपेशन जब इस तरह के बड़े लेवल पर कभी होता है तो उसके परिणाम बच्चों में और अच्छे नागरिकों को इसमें तब्दील करने के लिए होते हैं। तो साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। फुटबॉल मेरा मेन गेम है, मैं भी स्कूल कॉलेज नेशनल स्कूल टीम डिस्ट्रिक्ट टीम स्टेट टीम और अकेडमी तक मैं लगातार खेलता रहा। इनफैक्ट पिछले जिले में था तो वहाँ भी 7-8 महीने खेला और अभी ये जो बच्चे जो खड़े हैं मैं इनकी मतलब मनोवृत्ति समझ सकता हूँ और सोच रहा हूँ कि हमें खेलना है और ये सब लोग भाषण दे रहे हैं तो इसको हम लोग मैच की तरफ आगे बढ़ेंगे। और मैं दैनिक भास्कर की जो पहल है फुटबॉल को प्रमोट करना इसके लिए मैं उनको बहुत ही साधुवाद देता हूँ। 21 साल से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, सफलतापूर्वक हो रहा है, इसके लिए मैं उनको उनकी टीम को शुभकामना देता हूँ। मैच की समाप्ति पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों को उपहार प्रदान किए गए। वहीं प्लेयर ऑफ द मैच सेंट थॉमस के सैम सिवेद दास को चुना गया। थॉमस कल दोनों मुकाबलों के साथ में हम एक बार फिर से आपके बीच होंगे और कल दोपहर 2 बजे से जो दोनों मुकाबले खेले जाएंगे।